हेलो दोस्तों, टेक टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं वरुण। दोस्तों, इस ब्लॉग में मैं आपके लिए लाया हूं बेस्ट कैमरे वाले स्मार्टफोन्स जिनकी कीमत 10,000 से कम है। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि मैंने 4 स्मार्टफोन्स सेलेक्ट किए हैं और इन चारों में जो रियर कैमरा लगा हुआ है उनमें प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का है। तो ये जो 4 स्मार्टफोन है इनकी प्राइस जो है 10,000 से नीचे है और कैमरा जो इनका है वो बहुत ही बेहतरीन है। तो शुरू करते हैं इस टेक टॉक और देखते हैं कौन कौन से हैं वो 4 स्मार्टफोन जिनका कैमरा बहुत ही अच्छा है और जिनकी कीमत 10,000 रुपये से कम है। सब्सक्राइब कीजिए टेक टॉक चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले। दोस्तों, मैंने जो 4 स्मार्टफोन सेलेक्ट किए हैं उनका कैमरा तो बहुत ही अच्छा है और जो रैंकिंग मैंने की है वो ऑन परफॉर्मेंस बेसिस पे की है। जिसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है उसे मैंने रैंक 1 पर रखा है और जिनका परफॉर्मेंस सबसे ख़राब है उन्हें मैंने रैंक 4 पर रखा है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं चौथे नंबर से। चौथे नंबर पर जो स्मार्टफोन है वो है मोटोरोला का और ये स्मार्टफोन है मोटोरोला मोटो E7 प्लस। दोस्तों, इसका जो डिस्प्ले है 6.5 इंच का HD प्लस डिस्प्ले है। साथ ही इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 460 है। 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ ये स्मार्टफोन आता है और इसमें जो कैमरा है रियर साइड का वो डुअल कैमरा है जिसमें प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का है। फ्रंट कैमरा इसका 8 मेगापिक्सल का है। बैटरी जो इसमें है वो बहुत ही मैसिव है, 5000 mAh की इसकी बैटरी है और ये स्मार्टफोन आता है स्टॉक एंड्रॉयड के साथ जो कि बहुत बड़ी बात है। साथ ही फेस अनलॉक फीचर इसमें अवेलेबल है और रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर पर देखते हैं कौन सा स्मार्टफोन अवेलेबल है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर जो स्मार्टफोन अवेलेबल है वो टेक्नो का है और यह है टेक्नो कैमन 15। यह स्मार्टफोन आता है कुछ इन स्पेसिफिकेशंस के साथ। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की। डिस्प्ले इसका 6.55 इंच का HD प्लस डिस्प्ले है। इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो मीडियाटेक का हीलियो P22 है। 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ ये स्मार्टफोन आता है और इसका जो रियर कैमरा है वो एक क्वाड रियर कैमरा है जिसमें प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का है। फ्रंट कैमरा इसका 16 मेगापिक्सल का है। बैटरी इसमें 5000 mAh की लगी हुई है। रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ ये स्मार्टफोन आता है। तो दोस्तों, तीसरे नंबर पर टेक्नो का ये स्मार्टफोन टेक्नो कैमन 15 प्रेजेंट है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे नंबर पर कौन सा स्मार्टफोन अवेलेबल है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर जो स्मार्टफोन अवेलेबल है वो इन्फिनिक्स का है और ये है इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो। ये स्मार्टफोन आता है कुछ इन स्पेसिफिकेशंस के साथ। इसका जो डिस्प्ले है 6.6 इंच का HD प्लस डिस्प्ले है। प्रोसेसर जो इसमें लगा हुआ है वो मीडियाटेक का हीलियो P22 है। 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ ये स्मार्टफोन आता है। साथ ही इसमें जो कैमरा लगा हुआ है रियर साइड में वो एक रियर कैमरा है जिसमें प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का है। फ्रंट कैमरा इसका 8 मेगापिक्सल का है। बैटरी जो इसमें लगी हुई है वो 5000 mAh की है। रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ ये स्मार्टफोन आता है और हमारे इस लिस्ट में इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो दूसरे नंबर पे है। दोस्तों, पहले नंबर पे जो मैंने स्मार्टफोन रखा है वो है रियलमी का और यह है रियलमी नारजो 20। इसकी कीमत 10,499 रुपये है। अभी जब मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ तो कोई भी ऑफर ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, ना ही कोई फेस्टिव सीजन चल रहा है। जैसे ही फेस्टिव सीजन आता है या फिर कोई ऑफर आती है ऑनलाइन तो इसकी कीमत 10,499 से घट जाती है। रियलमी नारजो 20 जो है वो हमारे इस लिस्ट का पहला सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है जिसका कैमरा बहुत ही बेहतरीन है। साथ ही इसकी परफॉर्मेंस जो है वो सबसे अच्छी है। ये आता है कुछ इन स्पेसिफिकेशंस के साथ। दोस्तों, इसका जो डिस्प्ले है 6.5 इंच का है और जो प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है वो मीडियाटेक का हीलियो G85 है। 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ ये स्मार्टफोन आता है। साथ ही इसका जो रियर कैमरा है वो एक ट्रिपल रियर कैमरा है जिसमें प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का है। फ्रंट कैमरा इसका 8 मेगापिक्सल का है। बैटरी जो इसमें लगी हुई है वो बहुत ही मैसिव है, 6000 mAh की इसकी बैटरी है जो कि चार्ज होती है 18 वाट के फास्ट चार्जर के थ्रू। तो दोस्तों, परफॉर्मेंस वाइज रियलमी नारजो 20 हमारे इस लिस्ट का बेस्ट स्मार्टफोन है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस ब्लॉग को रैप अप करते हैं। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। इस ब्लॉग को देखने के लिए धन्यवाद और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, धन्यवाद।